Hello friends, I am Sheikh Imran. Yesterday's lecture we are talk about the syllabus. There are 5 chapters. In detail we are discussing yesterday's lecture. Today we are starting our first chapter, bookkeeping and accountancy. As we all students know about the bookkeeping, because we are done 12th in commerce. Those who are not related to commerce, they will also understand what is the bookkeeping and what is the accountancy. So we will understand by step. The first chapter name is bookkeeping and accountancy. Bookkeeping kya hota hai? Hum sab ne padha hai. Bookkeeping is a systematic way of recording all transactions in a book. जैसे हमारे पास एक नोटबुक होता है, कोई भी हमारे पास बुक होता है, बुक को हम क्या करते हैं, अपने पास रखते हैं. बुक अपने पास रखना मतलब बुक कीप करना, बुक को अपने साथ में रखना. अब बुक को अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन से अगर हम देखेंगे, अकाउंटिंग के ट्रांजेक्शन से उसमें देखेंगे तो उसमें क्या होगा, जो भी रिलेटेड टू मॉनेटरी टर्म्स, जो भी पैसे से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी, वो हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, बुक कीपिंग में. एक बुक है जिसमें सभी रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू मॉनेटरी वैल्यूज टर्म जो इंक्लूड होती है, जो सिस्टमेटिक वे से उसको किया जाता है, उसको सिंपल टर्म में बुक कीपिंग कहते हैं. सब में पहले थोड़ा सा हम बुक कीपिंग के बारे में हिस्ट्री में जाकर देखेंगे. एंड ओल्ड ईरा जब स्टार्ट हुआ था, दैट टाइम वॉज बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम था, हमारे पास कुछ चीज़ें होगी वो दूसरों को देना, उनके पास कुछ चीज़ें होगी वो हमारे पास लेना. मतलब जैसे कुम्हार होता था, वो मटके बनाता था, उसका बिजनेस था मटके बनाना, पोट बनाना. वो क्या करता था, फिर वो पोट एक लोहार को देता था, बदले में लोहार क्या करता था, उसके पास जो भी इक्विपमेंट है, जो खेती में काम आते, जो भी रियल लाइफ में काम आते, वो एक्सचेंज करता था. दैट वॉज बार्टर सिस्टम. डे बाय डे क्या हुआ, इसमें इंक्रीमेंट हुआ. जैसे भी इंसान की ऐसी उन्नति हुई, प्रगति हुई, उसमें क्या हुआ, डे बाय डे इंक्रीमेंट्स हुए. लोगों ने क्या किया, अपने अपने बिजनेस स्टार्ट किए. फिर पैसा आया मार्केट में, चलन आया. ऐसा कहा जाता है कि हमारा इंडिया का करेंसी पहले सोने का हुआ करता था, सोने में लेन देन हुआ करती थी. फर्स्ट करेंसी इन इंडिया जो थी वो गोल्ड के रूप में थी, गोल्ड जैसी थी. उसके बाद करेंसी में अभी चेंजेस बहुत सारे चेंजेस होते गए. और अभी के हमारे पास अभी 2000 के मोदी के नोट है. मतलब करेंसी में क्या होता है, बार बार चेंजेस होते हैं. अब बुक कीपिंग क्या होता है, जहाँ पर भी टर्म्स आएगा, जहाँ पर भी पैसा आएगा, वहाँ पर क्या होगा, अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए एक बंदा लगेगा, एक टर्म्स लगेंगे. वो किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, वो किस तरीके से रखा जाता है, इसको समझने के लिए बुक कीपिंग है. आप सब बहुत ही खुशनसीब है क्योंकि आप सब ने कॉमर्स को एडमिशन लिया. कॉमर्स एक ऐसी फैकल्टी है जिसमें हम लोग जो प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट में जो भी सिचुएशन हम पर आ रही है, उसका जो भी स्टडीज़ होता है वो कॉमर्स में होता है. इन आर्ट्स फैकल्टी यू स्टडीड, अकबर आया था, इसने ये किया, ये खोद कर निकाला. बस कॉमर्स में क्या होता है, अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है, नाउडेज देयर इज़ अ सेंसेक्स बहुत बढ़ गया है, 45,000 सेंसेक्स बढ़ गया है. इसका इम्पैक्ट कॉमर्स से होता है. इसलिए आप बहुत खुशनसीब है कि आपने कॉमर्स को एडमिशन लिया, अच्छे फैकल्टी को एडमिशन लिया. तो हम टॉपिक पे आते हैं, बुक कीपिंग अकाउंटेंसी. सब में पहले इंडिया में 23rd century ago चाणक्य मौर्य के उसके टाइम पे बुक कीपिंग की जाती थी. उसके टाइम पर बुक कीपिंग की जाती थी, अकाउंट्स मेंटेन किए जाते थे, ऐसे हिस्ट्री के बुक्स में कहा जाता था. कौटिल्य एक अर्थशास्त्र, कौटिल्य नाम का जो उसका सेवक था, उसने बुक्स लिखा था अर्थशास्त्र, उसको आगे देसी नामा भी कहा जाता था. दैट इज़ द हिस्ट्री ऑफ बुक कीपिंग इन इंडिया. सम पीपल सेज इंडिया इज़ अ बैकवर्ड कंट्री, बट इंडिया इन्वेंट सो मेनी इनोवेशंस, बट हमको क्या हुआ है, उसका हमें बताया नहीं गया. फिर जब हम डबल इंट्री सिस्टम के बारे में देखेंगे तो 1494 में लुका दी पेसी ऑली नाम का जो पर्सन है, उन्होंने इटली में 1494 में डबल इंट्री सिस्टम का क्या किया, डबल इंट्री सिस्टम फाउंड आउट की. कौन सा साल है, 1494. ये साल आप नोट कर लीजिए क्योंकि हमको जो क्वेश्चन सेट में क्वेश्चन फर्स्ट आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, उसमें क्वेश्चन हमको पूछा जा सकता है. किसने किया, लुका डी पेसी ऑली.
The person found double entry system. Where? At Italy. Italy में start किया. तो ये world की history है और India की history जो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य 23rd सेंचुरी अगो उन्होंने क्या किया था, स्टार्ट किया था. पर डे बाय डे ऐसे हो रहा है क्या, अकाउंट्स मेंटेन करना ज़रूरी होता जा रहा है. पहले जो था ओल्ड एरा में जो था तो अकाउंट्स हाथ से लिखे जाते थे तो जो भी ट्रांजेक्शन्स होता था डेली में वो लिमिटेड था. वेदर द बिजनेस वॉज स्टार्टेड दैट टाइम द ट्रांजेक्शन्स ऑफ बिजनेस वेरी वेरी लिमिटेड ट्रांजेक्शन्स. बट day by day when the business is increased, business is expanded, that time they need some machinery, some computers to maintain accounts. तो जब हाथ से ही लिखा जाता था तो बहुत सारे problems आते थे, क्योंकि उसको स्टोर करके रखना, उसका हिसाब रखना, इसलिए जो हाथ से हम accounts लिखते थे उसमें बहुत से problem आते थे. तो अभी जो हुआ है day by day इसमें increment हुआ है, लोग computer पर सब accounts बना रहे हैं, सब अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आ गए जिस पर हम अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं. तो बुक कीपिंग का काम यही है कि स्टार्ट जब से बिजनेस स्टार्ट होता है तो तब से बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस में जो भी अकाउंटिंग टर्म्स में, मॉनेटरी टर्म्स में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको सिस्टमेटिक वे से एक बुक्स में रिकॉर्ड करने का काम बुक कीपिंग करता है. डेट वाइज वो कैसे करता है, डेट वाइज. और बुक कीपिंग का काम होने के बाद नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग का काम स्टार्ट होता है. तो उम्मीद है आपको थोड़ी सी हिस्ट्री समझ में आ गई. अब हम देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ बुक कीपिंग. देर आर टू डेफिनेशंस गिवन रिटन इन द बोर्ड ऑन द बोर्ड. द फर्स्ट डेफिनेशन रिचार्ड ई स्टारहेम, इन्होंने कहा है द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग. बुक कीपिंग क्या है, आर्ट है. बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ एनालाइजिंग, एनालाइज करना, देन रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन्स होते हैं अर्ली मॉर्निंग टू इवनिंग और मंथली या ईयरली जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करना, देन रिपोर्टिंग रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस. बुक कीपिंग का काम रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना पहले, तो उसके बाद रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिक वे से डेट वाइज उसको एक बुक में नोट आउट करना, और उस जो भी नोट आउट किया है उसका रिपोर्ट कहाँ करना है, बिजनेस ऑपरेशंस में, थ्रू पीरियोडिक स्टेटमेंट्स. पीरियोडिक स्टेटमेंट मीन्स कुछ पीरियड्स के लिए, 3 महीना भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है, 1 महीना भी होता है, साल भर भी होता है. पीरियोडिक स्टेटमेंट्स एंड इंटरप्रेटिंग सच रिजल्ट्स फॉर पर्पज ऑफ इफेक्टिव कंट्रोल. उसका इंटरप्रेशन करना है. बुक कीपिंग में जो भी हमने एनालाइज किया, जो भी रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद जो भी बिजनेस ऑपरेशन को रिपोर्ट किया, पीरियोडिक स्टेटमेंट में बनाया, उसके बाद उस रिजल्ट्स को क्या करना है, इफेक्टिव कंट्रोल और फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए यूज़ करना है. दैट वन इज बुक कीपिंग. पहले तो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड करने के बाद उसको समराइज करना है, देन उसको बिजनेस ऑपरेशन के लिए यूज़ करना है, और उसके बाद उसका फ्यूचर में किस तरीके से उसका फ़ायदा होगा या इफेक्टिव कंट्रोल किस तरीके से होगा ये ढूंढने के लिए. सपोज़ हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, हमारा बिजनेस है, हम डे टू डे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो लास्ट में हमको याद आएगा कि हमने एक्सपेंसेस कितना किया, हमने इनकम कितना किया. तो अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा होता है तो मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि हम क्या करेंगे, एक्सपेंसेस नेक्स्ट टर्म से कम करेंगे. तो बुक कीपिंग का फ़ायदा क्या होगा, जब भी बुक कीपिंग के रिजल्ट्स आएंगे तो मैनेजमेंट इफेक्टिव कंट्रोल कर सकता है और फ्यूचर ऑपरेशन के लिए भी क्या होगा, बेनिफिशियल होगा. द सेकंड डेफिनेशन इज जे आर बॉटली बॉय. सब में सिंपल और इजी डेफिनेशन है. बॉटली बॉय कहते हैं बुक कीपिंग इज एन आर्ट. बुक कीपिंग क्या है, आर्ट है. ऊपर भी कहा है बुक कीपिंग इज एन आर्ट. बुक कीपिंग आर्ट है ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स. सिंपल डेफिनेशन है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स. मतलब बुक कीपिंग एक कला है. कला है, वो कला हमको सिखाती है कि हम जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, जो भी बिजनेस में एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको अच्छे से बुक्स में लिखने की एक कला है. अब यहाँ पर बहुत से जो ऑथर्स है वो कहते हैं बुक कीपिंग इज साइंस ऑल्सो. बुक कीपिंग क्या है, साइंस भी है. बुक कीपिंग क्या है,
आठ बी है। तो ये कुछ बेसिक्स डेफिनेशन है बुक कीपिंग की। देन नेक्स्ट वन इज देर आर सम फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के कुछ फीचर्स हैं, ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके आपको पीडीएफ नोट्स आपको आपके जीएस रूप में मिल जाएंगे। तो सिर्फ आपको यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना है, जब हमारे न्यूमेरिकल चैप्टर स्टार्ट होंगे तब आपको, जब हम लेक्चर ले रहे हैं तब आपको उस टाइम पे राइट डाउन करना पड़ेगा। अभी आप कॉन्सेंट्रेट करके सिर्फ जो बातें कही गई है उसको आप आराम से सुनो। आपको कुछ डाउट्स लगते हैं, कुछ क्वेरीज लगती है तो आप मैसेज कर सकते हैं। आप सभी के पास हमारे कॉलेज के नंबर से, टीचर्स के नंबर से आप मैसेज कर सकते हैं या जीएस सूट पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। यहीं पर लिखता हूँ फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग, द फर्स्ट फीचर इज इट इज द मेथड ऑफ, इट इज द मेथड ऑफ, इट इज द मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शंस। That one we are discussing definition. The same thing here. It is a method of recording day-to-day business transactions. जैसे अभी हम मेरे जैसे हम रोज़ जो भी activities करते हैं related to money, related to monetary value, उसका क्या करना है, business transaction में record करना है। The second feature is only financial transactions. Only financial transactions are recorded. In bookkeeping, only financial transactions are recorded. जो other transactions होती है वो record नहीं होंगे। मैं मेरे चाचा के पास गया था, काका के पास से वापस आ गया, ये recording, ये जो transactions है इसमें कहाँ पर भी financial aspects नहीं आता। जहाँ पर भी financial motive होगा वही transactions क्या होंगे, books में record होंगे। नंबर थर्ड वन इज ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर, ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड विच आर यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। थर्ड फीचर इज ऑल रिकॉर्ड्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। कुछ स्पेसिफिक पीरियड्स के लिए क्या किया जाता है, ये बुक कीपिंग के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए जाते हैं। विच आर यूजफुल फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस, मतलब लास्ट टाइम में हमने कैसे बिजनेस किया था, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल किया, ये हम जो भी हमारे बुक कीपिंग में जो भी हम रिकॉर्ड करते हैं उससे हमको समझ में आ जाता है। इन फ्यूचर वही सिचुएशन हमको आती है तो हम क्या कर सकते हैं, पीछे वाले बुक्स का हम सपोर्ट ले सकते हैं या हम फ्यूचर में भी उस बुक्स को क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नंबर फोर्थ वन एंड फिफ्थ वन दोनों भी लिख देता हूँ मैं, चार ही है, रिकॉर्ड ऑफ transactions, record of transactions are based on rules and regulations, are based on rules and regulations. The fifth one is last feature of bookkeeping, it is an art of recording business transactions
द सेकेंड लास्ट फीचर इज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन आर बेस्ड ऑन रूल्स एंड रेगुलेशंस. जो भी रूल्स होंगे, जो भी रेगुलेशंस होंगे, उसके बेस पे क्या होगा, बुक कीपिंग के अंदर जो हम रिकॉर्ड करने वाले हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से होंगे. रूल्स हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे, थोड़ा थोड़ा आहिस्ते हम आगे जा रहे थे. रूल्स हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे. रेगुलेशंस भी होते हैं कुछ, कंपनीज एक्ट 1956, अमेंडमेंट 2013, या और भी जो कुछ एक्ट्स आते हैं वो एक्ट्स के हिसाब से क्या करना पड़ता है, बुक कीपिंग में हमको ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना पड़ते हैं. एंड लास्ट वन इज इट इज़ एन आर्ट. हमने डेफिनेशन में भी देखा है बुक कीपिंग क्या है, आर्ट है. आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स साइंटिफिकली, साइंटिफिक तरीके से उसको क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. ये हुए फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग. होप यू अंडरस्टैंड. इफ यू हैव एनी डाउट्स क्वेरीज प्लीज अस्क मी ऑन व्हाट्सएप, अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम. थैंक यू.